बात है कि राम मंदिर जो मोदी जी बनाए हैं, सुनिए, एक मोदी जी आके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गुलाम है और मेरे बोलने पे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला हमारे हित में दिया है, हम लोग मान लेंगे। आपने मंदिर ही क्यों बनाया, मस्जिद बनवाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के लिए भी जमीन दिया गया है। हाँ, सरकार सबकी होती है, किसी एक समुदाय की नहीं होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। राम मंदिर ही क्यों बना भाई, सरकार जब से करके राम मंदिर हमने बनवाया तो फिर मस्जिद ही बनवाना चाहिए आपको ना। हम तो चाहते तो दोनों मजहब को साथ में उद्घाटन किए होते, एक जगह मस्जिद का, एक मंदिर का, कितना अच्छा होता। बीजेपी आया तो प्रक्रिया नहीं, वो जब आया तो प्रक्रिया 2002 में भी बीजेपी आया था। कहाँ कर दिया उस समय, क्या अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय कायन हो गया। आप बताइए, कहा नहीं होगा, आप बताइए, यही दिक्कत है आप लोग में। सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद फैसला आया तब ना राम मंदिर बना। जो खुलवाएगा वही तोड़वाएगा, खुलवाया कांग्रेसी, तोड़वाया कांग्रेसी, भले तोड़ने वाला कोई हो। कैसे कह सकते हैं, यही बात करते हैं, सिरे लीजिए कि ताला हम खुलवाए, तोड़वाया कौन, अब ताला क्यों खुलवाए, ना सुनिए, तोड़ने में बहुत अंतर होता है, ताला नहीं खुलवाते तो मस्जिद नहीं टूटता, आपको पता होना चाहिए बात। इसका मतलब ताला खुलवाए थे, ये तोड़वाए, माना गया था जांच करने के लिए रहा, क्यों ले रहे हैं कि राम मंदिर हम बनवाए, आपका देना राम मंदिर। राम नाम का कोई व्यक्ति धरती पर जन्म लिया ही नहीं, राम मंदिर कोई था ही नहीं, यहाँ पर राम पैदा हुए ही नहीं थे, राम एक नाम काल्पनिक नाम है, तो फिर कैसे कहा। यह जितना मान जी बोले थे कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम को हम नहीं मानते हैं, और आज बीजेपी उसको उनको गोदी में बैठा कर रखी हुई है। जितना मान जी सही आदमी है, जो राम को काल्पनिक बताया उसको बीजेपी अपने गोदी में बैठा दिया। मौजूद है, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और वहां पर काफी जो है लोगों को इनविटेशन दिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो है नहीं गए हैं। अब हमारे साथ पब्लिक मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं कि वहां पर किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। बाकी सबका जाने का इन्वाइट मिला था, आखिर बहुत लोग नहीं गए, क्या कहिएगा भैया। बहुत लोग को इन्वाइट मिला गया था तो आधा लोग गए हैं, आधा लोग नहीं गए हैं राम मंदिर के उद्घाटन। देखिए 7500 लोगों को निमंत्रण मिला है, जिसमें से लोग जा रहे हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, जो राम के भक्त है, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग जा रहे हैं, लेकिन जो राम विरोधी है, जो राम को काल्पनिक बताए थे, वो लोग नहीं जा रहे, वो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि हमको कोई बुलाएगा तब थोड़ी जाएंगे, हमारा पूजा का विषय, हम कभी भी जा सकते हैं। अरे देखिए ठीक है, वो राम को मान रहे हैं, अब आप मान रहे हैं कि राम दिल में है, इस बात थोड़ी है कि वहां जाएंगे। अब राम दिल में आ गए, उस टाइम जब यही लोग कोर्ट में डिबेट दिया था कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, राम नाम का कोई व्यक्ति धरती पर जन्म लिया ही नहीं, राम मंदिर कोई था ही नहीं, यहाँ पर राम पैदा हुए ही नहीं थे, राम एक नाम काल्पनिक नाम है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि लोग राम ये लोग का दिल में है। ये लोग राम का विरोध करने वाला लोग है, राम को काल्पनिक बताने वाला लोग है। पूजा पाठ तो करता है ना, कहता है कि हम दिखाएगा थोड़ी ना करेंगे पूजा पाठ। पूजा तो करवे, सब जनता के लोग पूजा करता है, पूजा करता है, लेकिन जनता के सामने लोग विरोध नहीं करेगा। तो एक तरफ का जो वोट है, जिसको माइनॉरिटी का वोट कहा जाता है, वो कैसे लगा। ये लोग माइनॉरिटी को ठगने का ये लोग के पास एजेंडा है, विरोध कर रहा है, लोग कह रहे कि मानने वाला आस्था हम तो मानिए रहे हैं। सुनिए ना, आस्था 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 अलग चीज, सुनिए, ये लोग माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए माइनॉरिटी को ये लोग ठगता है। देखिए क्या कहेगा राम, जीतन राम मांझी, सुनिए, जीतन राम मांझी आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में जा करके बैठ गया है, कुछ महीने पहले का बयान उठाइए, यही जीतन राम मांझी बोले थे कि राम जो है वो काल्पनिक है, राम को हम नहीं मानते हैं, और आज बीजेपी उसको उनको गोदी में बैठा कर रखी हुई है। जितना मांझी सही आदमी है, जो राम को काल्पनिक बताया उसको बीजेपी अपने गोदे में बैठा ली। विपक्ष लोग कह रहा है कि हम लोग धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं, हाँ हम लोग धर्म पर राजनीति नहीं करते। धर्म पर राजनीति कौन कर रहा है, मंदिर, एक मिनट, नहीं नहीं, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि ताला हमने खुलवाया, कांग्रेस कह रही है ना कि बाबरी मस्जिद का ताला हमने खुलवाया, तो कहां क्रेडिट मांगे ना, क्या बात करते हैं। डकमंगला चौराहे पर बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ है, तो बाबरी मस्जिद का ताला खुलते हुए बोला कि राम मंदिर का श्रेय हमको जाना चाहिए था। ये बताइए कि राम मंदिर का श्रेय हम उसको दे देंगे, लेकिन एक शर्त पर देंगे, पूरा कांग्रेस जो है उठे और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता, शशि थरूर से लेकर खड़ा होकर कहे कि बाबरी मस्जिद का ताला हमने खुलवाया और बाबरी मस्जिद को तोड़वाने का काम हमने किया, तब हम मान जाएंगे सही है। ताला खुलवाया, तोड़वाने वाला काम कहला बोले, जो खुलवाएगा सुप्रीम कोर्ट का, देखिए यही दिक्कत है आप लोग में। सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद फैसला आया तब ना राम मंदिर बना। जो खुलवाएगा वही तोड़वाएगा, खुलवाया कांग्रेसी, तोड़वाया कांग्रेसी, भले तोड़ने वाला कोई हो। कैसे कह सकते हैं, क्या बात करते हैं, सिरे लीजिएगा ताला हम खुलवाए, तोड़वाया कौन, अब ताला क्यों खुलवाए, ना सुनिए, तोड़ने में बहुत अंतर होता है, ताला नहीं खुलवाते तो मस्जिद नहीं टूटता, आपको पता होना चाहिए ये बात। इसका मतलब ताला खुलवाए थे, ये तोड़वा है, माना गया था जांच करने के लिए, लोग बोल रहा था कि अंदर जो है फोटो है, तस्वीर है, क्यों ले रहे हैं कि राम मंदिर हम बनवाए, आपका देना राम मंदिर। अभी जो राजनीति, अभी जो है, सुनिए ना, 65 साल कांग्रेस सरकार में थी ना, क्यों नहीं राम मंदिर का फैसला एक तरफ कर दी, बोला था कि फैसला आएगा तो पूरा भूचाल मच जाएगा, सुनिए कोर्ट का बोला था, सुनिए कांग्रेस क्या कहता था कि भूचाल आ जाएगा, पूरा देश में तांडव मच जाएगा, एक पत्ता भी हिल गया, एक पत्ता भी हिला, किसी का अवकाश था कि रोड पर आके आंदोलन कर दे, राजनीतिक पार्टी को थोड़ी ना चल भाई, चीज़
सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया ना जी, आस्था की बुनियाद पर दिया ना सुप्रीम कोर्ट फैसला। कांग्रेस की क्या गलती है? किसका? जब उसको ताला खोलवाना तो खुलवाया, उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में बता रहे, आपको बता रहे वो कांग्रेस की क्या गलती है? कांग्रेस का एक ही गलती है, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राम मंदिर पर फैसला इधर हो या उधर हो, नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसको माइनॉरिटी का वोट चाहिए था, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का वोट चाहिए था, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को ये लोग 70 सालों से ठगने का सिर्फ काम कर रहे हैं, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे वो बसपा वाले हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ये लोग मुसलमानों को ठगने का सिर्फ काम करते हैं। ठगने काम नहीं कर रहा था लोग, फिर वही इसलिए उसको फैसला नहीं आ रहा था, कहीं दंगा हो जाएगा देश में। हो गया दंगा, हो गया दंगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया ना। सुप्रीम कोर्ट फैसला पहले भी दे सकता था, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे थे, नहीं देना नहीं देना है, नहीं तो देश में बवाल हो जाएगा, दंगा दंगा हो गया। कांग्रेस नहीं चला रहा था, फिर वही चीज, दंगा हुआ, दंगा हुआ, नहीं ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है ना, आपके कहने का मतलब क्या है कि बीजेपी में अगर खुला है तो बीजेपी वाले संविधान को चला रहे हैं? तो क्या लगे लगे इनको सुप्रीम कोर्ट अलग इकाई है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं जो मोदी साइन किया है, आप जो बोल रहे हैं कि उसी समय क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, प्रक्रिया होता है सारा चीज, कानूनी प्रक्रिया जो है ना, मतलब बीजेपी आया तो प्रक्रिया नहीं हुआ, वो जब आया तो 2002 में भी बीजेपी आया था, कहाँ कर दिया उस समय? क्या अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे? बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय कायन हो गया। आप बताइए, कहा नहीं होगा, आप बताइए पहले, सरकार सबसे ज्यादा किस कौन चलाया? सुनिए ना, आप बताइए कि उस समय क्यों नहीं हुआ? से मतलब नहीं है भैया, सरकार सुप्रीम कोर्ट की वजह से थोड़ी बोलिए ना, उस समय क्यों नहीं हुआ? उस समय नहीं हुआ, उस टाइम नहीं किया, वो भी नहीं चाहते थे कि दंगा फसाद हो। बीजेपी नहीं चाहते थे, यही बीजेपी नहीं चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती थी और आज भी नहीं चाहती है कांग्रेस। क्या बात करते हैं, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी शुरू से चाहा है वहाँ पर, क्या बात करते हैं? उस समय बना बीजेपी किस बुनियाद पर पैदा हुआ है? उस समय बीजेपी किस किस बुनियाद पर आया राजनीतिक पार्टी में, बताइए। धार्मिक बुनियाद पर, बस जान, राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर सुनिए, राम मंदिर को लेकर राजनीतिक धार्मिक पर करना सही है, ये बताइए ना, राम मंदिर को लेकर इनको समझना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानिए, उनका एक प्रक्रिया होता है, आप साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य लाने में उसमें क्या क्या हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें खनन हुआ है, उसमें टाइम लगता है, नहीं कि मतलब एक दिन, आप 60 साल में हुआ ये चीज, बाबरी मस्जिद जो ध्वंस हुआ 92 में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके धीरे धीरे आया, प्रक्रिया हुआ, विवाद भरा, दंगा हुआ देश में। आप अगर सरकार में कोई भी रहते, आप प्रशासनिक अधिकारी होते, आप क्या चाहते कि दंगा हो जाए? क्यों चाहेंगे दंगा हो जाए? क्यों नहीं चाहिए? आप चाहते हैं कि मंदिर बने या मस्जिद बने? हम क्यों चाहेंगे मंदिर, गजब हाल है। अगर जनता चाहती है, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप क्या देखिएगा कि दंगा नहीं हो? सब हिंदुस्तान के लोग हैं, मरेगा तो हिंदुस्तान के लोग मरेगा, बिल्कुल मरेगा। तो इसलिए उस मुद्दा को उस समय डाइल्यूट किया गया, हाँ, कि दंगा नहीं हो। धीरे धीरे मुद्दा भरा, लोगों को लगा कि अब बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी उस गया केस उसके अंदर, धीरे धीरे सुनवाई हुआ, सुनवाई होते होते टाइम लगा, एक साल में सुनिए, 2014 के बाद 2019 आया, 5 साल में भी उनसे नहीं हो पाया, समझ लिए, हाँ। प्रक्रिया चला, तेजी लाई गई, हाँ। थोड़ा तेजी लाया गया और प्रक्रिया में 5 साल रह गया, 5 साल रहने के बाद 2019 में फैसला आया, हाँ। सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, हाँ। और उनके अलग 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दिया गया, अच्छा, ताकि जिसके सरकार में, सुनिए, जिसके सरकार में और कोई चीज पास होता उसी सरकार का ना बाबा ही बटोरेगा आदमी कि ये सरकार ने पास करवाया, ये सरकार के देन है, सरकार का योजना नहीं है वो, सरकार का योजना नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप ये चीज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप समझ ही नहीं रहे, बार बार फिर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके आधार पे बना मंदिर। हम क्या कह रहे हैं कि जिसके सरकार में ये सब कुछ हुआ उसको श्रेय देंगे ना, हमको नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप लोग जबरदस्ती कहिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या कहे, सुप्रीम कोर्ट में और सरकार में अंतर है कि नहीं है? सरकार सुप्रीम कोर्ट को चलाती है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार चलाती है? देखिए, मैं यूपी से आया हूँ, अभी जस्ट यूपी से उतरा हूँ, काशी से। काशी भी एक ऐसा एक मुद्दा जगह था जहां पर भी न जाने कितने कांग्रेस के सरकार से ही वहां मुद्दा जो है विवादित पड़ा हुआ था, और अंततः जो है पिछले साल की बात है कि अंततः काशी का भी कायाकल्प हुआ। अब यश जिसके जिस भी सरकार के हाथ में जाए, यश तो होना ही, वो तो यश जाएगा ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तब भी थी और अभी भी है, ठीक है, लेकिन ये जरूर जान जाइए कि वर्तमान में जिस प्रकार से सरकार का इस कार्य के प्रति जो था, और उन्होंने निश्चय में अपने जो जो बीजेपी का जो एक लिस्ट था उसमें भी उन्होंने एक सीधे शब्द सा लिखा था, पहले नहीं लिखा था, अन्य राज्यों ने ये बात को नहीं लिखा, आज भी जो इसका विरोध हो रहा है उसके पीछे यही कारण है। इन्होंने बाकायदे लिखा था कि हमारे एक मुद्दा में, हमारा एक मेन प्रमुख जो उद्देश्य में एक रहेगा राम मंदिर मुद्दा, तो लेकिन ये अगर हुआ
तो खैर यस, जिसको जाना होगा जाएगा ही जाएगा। हम लोग किंतु परंतु तू तू मैं करने से कोई उसका उचित नहीं है, और राम को आना ही था, राम तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कौन सी दुराव है। अलग धार्मिक उठा है क्या नाम हो गया अतुल, किस टाइप को देखते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर, लोग राजनीतिक से जोड़ रहा है कि कह रहा है कि मोदी जी का। देखिए राम मंदिर में सरकार का बनवाने में श्रेय जरूर है, लेकिन इसकी जो न्यायपालिका है उसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं रंजन गोगोई जो उस समय चीफ जस्टिस थे उनको हम देना चाहेंगे। ठीक है, सरकार कोई भी हो वो अपने स्वार्थ के लिए जनता को लड़ाती है, ये करती है वो करती है, लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आता है। हाँ, लेकिन हम न्यायपालिका में सबसे बड़ा श्रेय हम अपने तरफ से रंजन गोगोई जी को देते हैं, जिन्होंने इस फैसले को दे करके और पूरे राष्ट्र के अंदर जो भी, और देखिए उसके लिए जमीन मस्जिद की भी थी। और हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर आपकी सरकार है, आपने मंदिर ही क्यों बनाया, मस्जिद भी बनवाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद के लिए भी जमीन दिया गया है। हाँ, सरकार सबकी होती है, किसी एक समुदाय की नहीं होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हमारा क्या है कि सबको निर्माण करना। सरकार जब न्यायपालिका ने दोनों जगह जमीन दिया तो फिर मस्जिद क्यों नहीं बनी, राम मंदिर ही क्यों बना भाई। सरकार जब से करके राम मंदिर हमने बनवाया तो फिर मस्जिद ही बनवाना चाहिए आपको ना। कह रहा कि उसको भी बनवाया जाएगा लेकिन बाद में बनवाने की बात हो रही है। बाद में बात क्या होता है, हम तो चाहते तो दोनों मजहब को साथ में उद्घाटन किए होते, एक जगह मस्जिद का, एक जगह मंदिर का, कितना अच्छा होता। और हम सबसे बड़ा श्रेय रंजन गोगोई जी को बार बार देते हैं कि उनका श्रेय है, उनका योगदान है, उन्होंने फैसला दिया और राय मंदिर बन रहा है। क्या कहिएगा, कांग्रेस को लोग नहीं जा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में, कहे नहीं जा रहे? अब उन्हीं से ना जाके पूछे कहे नहीं जा रहे, हम लोग से पूछ रहे हैं। हम लोग का मर्जी होगा तो जाएंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं जाएंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट के ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर जो मोदी जी बनाए हैं, सुनिए एक मोदी जी आके कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा गुलाम है और मेरे बोलने पे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला हमारे हित में दिया है, हम लोग मान लेंगे। अगर मान ले मोदी जी कि मैंने बनवाया है राम मंदिर, अगर ये इसके जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जगह पे, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री वो हिंदू है, कहीं अगर इसके जगह पे कोई और प्रधानमंत्री होता जो किसी और कास्ट का होता, तो अगर उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो राम मंदिर के हित में आता, उसको भी राम मंदिर बनवाना पड़ता। तो सुनिए ना, नहीं तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उस समय में, सुनिए ना, तब सुप्रीम कोर्ट जो है तब उस समय में कांग्रेस का गुलाम नहीं था सुप्रीम कोर्ट, और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी जी का गुलाम है। हम तो कहिए रहे राम मंदिर में सरकार 1 करोड़ रुपया दिया है, नहीं दिया है सरकार, तो कह ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनवा रहे हैं। जनता ने चंदा दिया और सुप्रीम कोर्ट के, ये सुनिए, जनता ने जय श्री राम कहना होगा, रुकिए ना, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है हम सीताराम कहेंगे, हम सियाराम कहेंगे, ये कह रहे हैं कि सियाराम कहेंगे भैया, सियाराम भी कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, आखिरी सांस तक जय श्री राम कहते रहेंगे। क्या नाम है भैया? सियाराम या सियाराम? जय श्री राम, बाप को जब जा रहे हैं बिना साथ में रखेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं, जय सीताराम, अच्छे तरीके से बन जाएगा उसके बाद जाएंगे। का है अभी अधूरा है, नहीं अभी 22 तारीख है, अभी बहुत भीड़ है, आगे जाएंगे। ठीक है, अभी अच्छे तरीके से बन जाएगा, हाँ जाएंगे, जाना अभी ये जा रहा है, तो जो जिनको जा रहे हैं जाना है जा सकते हैं, कोई रोका हुआ थोड़ी है, मोदी जी खुद ही कर रहे हैं। शंकराचार्य विवाद को लेकर के है वो स्पष्ट होना चाहिए, मेरे ख्याल से संविधान की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, और हाँ बिल्कुल हम संस्कृत के एक अध्यापक हैं और काशी में संस्कृत के प्रवक्ता हैं, तो इसका जो आध्यात्मिक जो मामला जो चल रहा है अभी भी शंकराचार्य और नॉन शंकराचार्य विवाद आदि चल रहा है, मेरे ख्याल से राम से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है, शंकराचार्य हो या अन्य किसी भी धर्म के जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हो, यद्यपि भारत में शंकराचार्य का धर्म नेता के रूप में सर्वोच्च स्थान है, इसमें कोई दोराव नहीं है। हमारे साथ जनता थी और सबका अपना अपना राय था, राम मंदिर पर लोग अपना राय दे रहे थे कि राम मंदिर का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और किसी धार्मिक राजनीतिक और उसका श्रेय जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन उतना नहीं जाता है कि धर्म की वजह से ही राजनीति चलने लगे, धर्म की वजह से ही राजनीति चलने लगे। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़, और बहुत बहुत धन्यवाद।